हेलो साथियों, नमस्कार। मालती चौहान की डेथ हो गई। मालती चौहान जो कि एक यूट्यूबर थी, उनकी डेथ हो जाती है। सोशल मीडिया पे कई तरीके के वीडियोज आते हैं। कुछ लोग विष्णु राज को दोषी बता रहे हैं, कुछ लोग अर्जुन को दोषी कह रहे हैं, तो कुछ लोग गोरखपुरिया भौजी को भी दोषी मान रहे हैं। इस वीडियो में ढेर सारे खुलासे करूंगा कि आखिरकार कैसे क्या हुआ और किसका दोष है। तो जो संत कबीर नगर जिला होता है हमारे उत्तर प्रदेश का, वहां पे एक विष्णुराज और मालती मालती चौहान, ये दोनों पति पत्नी होते हैं और अत्यंत गरीब होते हैं। गरीबी में जब आदमी गरीबी से जूझ रहा होता है तो इधर उधर हाथ पर चलाता है, सोचता है इससे कुछ पैसा आ जाएगा, इससे कुछ पैसा आ जाएगा। तो इनको पता चलता है कि YouTube से भी पैसे कमाए जाते हैं। मालती काफी क्रिएटिव होती है, पांचवा पास है लेकिन क्रिएटिव काफी है। गाना गाने का उसको बहुत शौक है, भोजपुरी गाने वो गाती रहती थी, गुनगुनाती रहती थी। तो इसी क्रम में वो YouTube पे वीडियो डालने लगती है, विष्णुराज भी उसका साथ देता है। शुरुआत में जब सफलता इन दोनों को मिलने लगती है यूट्यूब पे, इन दोनों की किस्मत थी, ये दोनों बहुत सफल हो जाते हैं। 6 मिलियन सब्सक्राइबर इनके यूट्यूब पर हो जाते हैं, अच्छी खासी कमाई होने लगती है यूट्यूब से। यूट्यूब से इतनी कमाई हो जाती है इनको कि अच्छा खासा इनका मकान बन जाता है, एक स्कॉर्पियो गाड़ी ले लेते हैं, बुलेट ले लेते हैं और इनके शौक पूरे होने लगते हैं। घूमने जाने लगते हैं, इधर उधर होटल्स में जाने लगते हैं और अब इनको जरूरत पड़ती है एक टीम की, जो इनका कैमरा पकड़ के चले, कैमरा का सेटअप स्टूडियो बना लेते हैं और टीम में 4-5 लड़के रख लेते हैं। इन्हीं लड़कों में एक लड़का होता है जो कि अर्जुन नाम का होता है, वो भी इनकी टीम में था। बताते हैं मालती के साथ में कैमरा लेके चलता था। विष्णुराज को उस पर शक था, दोनों के बीच में दरार आ जाती है समय के साथ साथ। जो रिश्ता पति पत्नी का इतना एकदम पवित्र माना जाता है, उसमें संदेह की कोई जगह नहीं रखनी चाहिए। दोनों लोगों को कोशिश करनी चाहिए, पति को भी और पत्नी को भी, कि संदेह न बन पाए। संदेह जो होता है वो बहुत खराब होता है, खास करके महिलाओं को ज्यादा सावधान रहना चाहिए मेरा मानना है, क्योंकि महिलाएं जो हैं उनको भगवान ने कुछ ऐसा बनाया है कि उनके मन में कुछ करुणा प्रेम कुछ ज्यादा ही भर देता है भगवान, और बुद्धि थोड़ी सी। अगर वजन की बात करें तो 1400 ग्राम करीब आदमी के दिमाग का वजन होता है और 1350 ग्राम करीब महिला के दिमाग का वजन होता है, तो 50 ग्राम तो ऐसे ही कम है। ये तो खैर एक फैक्ट है विज्ञान का कि महिला के दिमाग का वजन कितना होता है और पुरुष के दिमाग का वजन औसत वजन कितना होता है। तो होता ऐसा है कि जो महिलाएं होती हैं, असल में जैसे बच्चा होता है, जब कोई रात में बाथरूम कर देता है, जाड़ा है, सभी के यहाँ नहीं हगीज और पैंपर्स उपलब्ध हैं, तो जब बिस्तर गीला हो जाता है तो महिलाओं को आपने देखा होगा बच्चे को सूखे में लिटा देती हैं, स्वयं गीली जो उनकी जो बेडशीट होती है या जो उनका बिस्तर होता है गीला हो जाता है, उसमें लेटी रहती रात भर। ये करुणा ये ममता उनके मन में होती है, बहुत करुणाशील होती हैं और किसी भी चीज को देख करके बहुत जल्दी उनके मन में करुणा और प्रेम आ जाता है, और इसी की वजह से कई लोग इसका फायदा भी उठाते हैं। कोठों पर भी बेची जाती हैं, गलत कदम भी उठा लेती हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसा ही कुछ मालती के साथ में हुआ। मैंने मालती चौहान फन जो इनका यूट्यूब चैनल है मालती का, उसके जो वीडियोस देखे काफी करुणा भरे वीडियोस हैं। ये जो मालती अभी आत्महत्या करती है, जो जैसा कि बताया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि विष्णुराज ने उसको मार करके टांग दिया है, लेकिन जो भी है इसके पूर्व के जो वीडियो पड़े हुए हैं आप जा करके मालती चौहान फन नाम के चैनल पे उनके वीडियोस देख सकते हैं। मालती रो रो कर कह रही है कि मुझको विष्णुराज ने, मतलब जब से शादी हुई तब से वो मुझको मारता है, मैं बहुत परेशान रहती थी और मुझको इतना मारा है कि मेरे पेट में जब भी कुछ खाती हूँ तब दर्द होता है, उठने बैठने में दर्द होता है। मैंने जो भी कुछ किया है वो बहुत मजबूरी में किया है। तो जो भी कुछ किया है वो क्या किया है वो भी आपको बता देते हैं। असल में दोनों करते क्या थे कि अपने जो वीडियोस बनाते थे, हजारों वीडियोस इन्होंने अपने चैनल्स पे पोस्ट किए थे, उसी की दम पर इनके 6 मिलियन सब्सक्राइबर थे और लाखों रुपए की इनकी कमाई होती थी। तो ये लोग करते क्या थे, अपने जो पर्सनल जीवन होता है उसके वीडियोस डाला करते थे कि आज मुझको मालती ने ये कह दिया, आज विष्णुराज ने मुझको ये कह दिया, अब ये करूंगी मैं ये करूंगी। पर्सनल वीडियोस होते थे, नाच गाना नौटंकी के होते थे और कुछ ऐसे भी होते थे जिनमें कभी कभार झूठ मूठ में मरने का नाटक और ये भी सब चला करता था। कहीं विष्णुराज मर गया, कहीं मालती चौहान बता की डेथ दिखा दी जाती थी झूठ मूठ की।
और कभी कभी इनके फैंस भी कुछ व्यू पाने के लिए उड़ा देते थे कि मालती चौहान मर गई। तो आपको बताते कि जो मालती चौहान होती है, ये एक जो अर्जुन नाम का शख्स था जो कि इनके टीम में था, उसके साथ में कुछ इसका संपर्क हो जाता है, कुछ संबंध बन जाता है। इसको ये भाई कहती थी पूर्व में। और अर्जुन जो होता है वो शादीशुदा था, उसकी शादीशुदा है, उसकी एक पत्नी है, दो बच्चे भी हैं। और वो जो मालती चौहान होती उसको अपनी बहन बताता था और राखी भी बांधता था, लेकिन विष्णु राज को दोनों पर शक था। अब जब शक आ जाता है किसी रिश्ते में तो फिर वो रिश्ता जो है उतने सही तरीके से चलता नहीं है, कटुता बढ़ जाती है, बात धीरे धीरे बातें एक दूसरे से कड़वी बातें होने लगती हैं, और फिर वो आपका जो रिश्ता होता है, वैध रिश्ता होता है, वो खराब होने लगता है। तो अर्जुन नाम का जो शख्स था उसने इनके बीच में आकर के इनके रिश्ते में दरार डाल दी। आखिरकार मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस में समझौता होता है, लेकिन दोनों का जीवन यापन करना एक दूसरे के साथ में बहुत कठिन हो जाता है। जबकि दोनों के एक बच्चा भी है जो अभी 1 साल का नहीं है, छोटा बच्चा है। तो ये अर्जुन नाम का शख्स फायदा उठाता है उस लड़की का, मालती जो कि 21 या 22 वर्ष की है, कक्षा 5 की है। अब मालती समझ नहीं पाती है कि क्या करें। उधर पति जो है वो भी मारता पीटता था, ऐसा मालती अपने वीडियोस में रो रो करके वो बताती है। इसके बाद में एक दिन क्या होता है कि मालती और अर्जुन की शादी उसका पति विष्णु राज एक मंदिर में करवा देता है। ये करीब 14 दिन पहले की बात है, 2 हफ्ते हो चुके हैं, शादी करवा देता है। इनके लाखों फॉलोअर्स थे मालती और विष्णु राज के, जो वीडियो पोस्ट होता है सोशल मीडिया पे, ये भी वीडियो विष्णु राज डाल देता है कि हमने आज मालती की शादी करवा दी उसके प्रेमी के साथ में, अर्जुन के साथ में। अब अर्जुन क्या करता है, गद्दारी इतनी करता है कि जब मालती के साथ में जिसने शादी की थी वो 2 ही दिन में मालती को छोड़कर भाग जाता है, मालती फिर अकेली हो जाती है, मालती को बहुत बड़ा झटका लगता है। इधर जो इनके लाखों फैंस होते हैं वो मालती को बुरा भला कहने लगते हैं कि तुमने बहुत गलत किया है, तुम सही लड़की नहीं हो, ये है वो। तो मालती को उधर मानसिक प्रताड़ना उधर भी मिलने लगती है। इधर व्यूज पाने के चक्कर में बहुत सारे न्यूज चैनल वाले मालती का इंटरव्यू लेने जाते हैं, विष्णु राज का इंटरव्यू लेने जाते हैं, और कई सारे वीडियोज आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, लोग जान जाते हैं कि मालती ने अपने पति को छोड़ करके और कैमरामैन के साथ में दूसरे लड़के के साथ में, जिसको वो भाई कहती, सबसे बड़ी बात ये थी कि वो उसको भाई कहती थी और राखी भी बांधती थी, और उसी के साथ में उसने मंदिर में शादी कर ली। ये बात जब मालती को एहसास होती है, जब एहसास होता है थोड़ी देर में, जब 2 दिन बाद जब वो भाग जाता है अर्जुन नाम का शख्स उसको धोखा दे करके, 2 ही दिन साथ रहता है शादी के बाद और उसके बाद में चला जाता है। अब मालती के पास कोई विकल्प नहीं बचता, वो आती है अपने पिता के घर में, वहां लोग जाने लगते हैं, तो वहां से भाग करके अपनी बहन के घर में आ जाती है, मुंह छुपाते घूम रही थी। इसके बाद में वीडियो डालती है अपने यूट्यूब चैनल पर कि मैं अब अपने ससुराल जा रही हूँ, मतलब विष्णु राज के पास जा रही हूँ, जो कि पूर्व पति, अब उसको पूर्व पति ही कहा जाएगा। तो वो कहती है कि वहां जो घर है वो मेरा घर है, मैंने अपने पैसों से बनवाया है, मेरी मेहनत की कमाई से बना है, और मैं रहूंगी तो वहीं रहूंगी, विष्णु राज चाहे मेरे साथ रहना चाहे तो रहे, नहीं रहना चाहता तो ना रहे, मैं वहीं रहूंगी, वहीं पे वीडियोस बनाऊंगी और वीडियो बना करके पोस्ट करूंगी और उसी से अपना जीवन यापन करूंगी, मुझको किसी की जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा उसी के सहारे मैं अपनी जिंदगी काट लूंगी, उसके बच्चे का नाम युवराज। मालती चौहान इस तरह कह रही थी और रो रही थी, उसका कहना था, एक जो उसने काफी हृदय विदारक बात कही थी, उसने कहा था उस वीडियो में, कहा है कि मैं जा तो रही हूं लेकिन मेरी, मुझको अगर कुछ होता है तो मेरी मौत के जिम्मेदार आप लोग होंगे। उसने अपने सब्सक्राइबर को कहा था, जो उसके लाखों सब्सक्राइबर थे, 6 लाख सब्सक्राइबर मालती चौहान के चैनल पे थे, उसने उनसे कहा था कि आप लोग लगातार कह रहे हो कि अपने ससुराल जाओ, अपने ससुराल जाओ, आप लोगों को मैं गलत लगती हूँ, मैं अब अपने ससुराल जा रही हूँ, लेकिन वहां पे अगर मुझको कुछ होता है, मेरे साथ में कोई मारपीट होती है या मुझको मारा जाता है, तो मेरे साथ में जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। मैंने वो आज वीडियो देखा तो काफी देख के बुरा लगा कि एक महिला कितना संघर्ष कर रही थी और आखिरकार वो जाती है 2 दिन पहले अपने ससुराल विष्णु राज के घर, और वहां पर उसके साथ में पता नहीं क्या होता है, वो तो पुलिस ही खुलासा करेगी।
विष्णुराज बताता है कि मैं रात में स्टूडियो में लेटने गया था। विष्णुराज की माँ कहती है कि इसका बेटा मेरे साथ में लेटा था। मैं जब सुबह गई कमरे में मालती को उठाने तो देखा कि मालती फंदे से झूल रही है। और इस समय इस तरह मालती चौहान का दुखद अंत हो जाता है। एक महिला जो कि दो पुरुषों के द्वारा सताई जा रही थी, ऐसा वो स्वयं उसने वीडियोस में कहा। उसने कहा कि जो अर्जुन है वो भी सही नहीं है, विष्णुराज वो भी सही नहीं है, था उसका फायदा दो पुरुषों ने उठाया उसके अनुसार। दूसरी बात, एक YouTube चैनल गोरखपुरिया भौजी के नाम से है जो इन दोनों का समझौता करवाने की कोशिश कर रही थी और इनके जो समझौते में जो भी बातें होती थी उनको अपना वीडियो बना करके सार्वजनिक भी करती थी। तो वो समझौता कराने के बजाय उन्होंने उस रिश्ते को और बिगाड़ा, इसलिए गोरखपुरिया भौजी पर भी लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, उन पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि घर की बात पति पत्नी की बात थी और आपको अगर मध्यस्थता करने के लिए दोनों ने बुलाया था तो आपको उनके बीच में जो भी बातें होती थी, आपने जो भी समझौता कराया उसको वीडियो बना करके नेट पे नहीं डालना था, लोगों को पता चलता था, फिर लोग उस पे तरह तरह के कमेंट करते थे और दोनों जिस निर्णय पे पहुंचते थे और उस पे फिर नहीं पहुंच पाते थे। जो पति पत्नी का निहायत निजी मैटर होता है उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती दोनों ने की थी। यूट्यूबर तो बहुत बड़े बन गए थे, खूब पैसा था, लेकिन दोनों बर्बाद हो चुके हैं। मालती तो इस दुनिया में है नहीं, अब वो वीडियो क्या बनाएगी, और विष्णुराज पर जैसे आरोप हैं तो उसको भी जेल जाना तय है। अब वो जेल से जब वापस आएगा, पत्नी है नहीं, बच्चा है, घर तो बर्बाद ही हो गया, वीडियो डालेगा तो उसका चलेगा कि नहीं चलेगा, चैनल भी तब तक डेड हो जाएगा या जो भी होगा, कुल एक तरीके से पूरा बर्बादी, एक परिवार बर्बाद हो गया जिन्होंने बहुत ही कम समय में, मात्र 3 साल में उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बना करके और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था कि लोग जानने लगे हैं। उनकी जब डेथ हुई मालती चौहान की, तो आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, आप डाल सकते हैं मालती चौहान तो आपको लाखों हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। तो गलती जो सबसे बड़ी थी वो यही थी कि वो अपने जीवन के जो छोटी छोटी जो पति पत्नी के बीच में जो बातें हैं, हल्की सी लड़ाई हुई उसका भी वीडियो बना के डाल दिया, कहीं जा रहे हैं तो अपने जो निहायत निजी पल थे उनको भी वो लोग डाल देते थे सोशल मीडिया पे, और जिसका परिणाम ये हुआ कि जो सब्सक्राइबर थे उन लोगों ने उनके निजी जीवन में दखल देना शुरू किया, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और जिसके चलते आज मालती चौहान हमारे बीच नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर कुछ मैंने गलत कहा हो तो क्षमा करें। थैंक यू।